दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एमएस गुरु इंडिया में स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो आपके रजिस्ट्रेशन है, जिनका टॉयलेट के जो 12,000 नहीं मिल पाए हैं, वो उसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और यहां से आवेदन करके आप अपने अकाउंट में 12,000 ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको फिर से ग्रामीण क्षेत्र में फिर से चालू किया गया। तो इसके आवेदन कैसे होंगे इसके बारे में बताऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, तो ये फेज 2 है ग्रामीण के लिए। तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और अपने अकाउंट में 12,000 रुपये ले सकते हैं। तो सबके पहले आपको गूगल पे यहाँ पे SBM सर्च कर लेंगे, तो यहाँ पे ये लिंक आएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा वाला लिंक है रजिस्ट्रेशन स्वच्छ भारत मिशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपका, उसके बाद आपका जो भी नाम है वो नाम डालेंगे, उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ पे, उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से ये कैप्चा कोड आप दे सकते हैं यहाँ पे फिल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो इसके में आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा, और आपके जो मोबाइल के जो लास्ट 4 डिजिट रहेंगे, जो लास्ट में 4 डिजिट रहेंगे, वो आपका यहाँ पे पासवर्ड होगा, और उसको यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ से लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपका जो आईडी है प्रोफाइल यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड, तो आप यहाँ से न्यू एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ से जो अप्लाई करेंगे उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने देखिए, आप देख सकते हैं न्यू एप्लीकेशन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी स्टेट है उस स्टेट का नाम यहाँ से आ गया है पहले इसमें। इसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक है, फिर उसके बाद आपको पंचायत, फिर जो भी आपको गांव है वो गांव सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे भी आपको आपको जो भी गांव एरिया वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखें जिस भी कैंडिडेट के नाम से आप रजिस्ट्रेशन करें उसका नाम यहाँ पे देखें, आधार कार्ड में जैसा भी नाम है उसको यहाँ पे फिल करना, उसके बाद उसका आधार कार्ड नंबर, और उसके बाद यहाँ पे टिक करके यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर करेंगे तो आपको OTP आएगा, उस OTP का हम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो फादर नेम, जेंडर नेम, जेंडर जो भी है मेल फीमेल, उसके बाद कैटेगरी आपका जो भी है, उसके बाद सब कैटेगरी जो भी है, उसके बाद कार्ड टाइप, कार्ड टाइप में आपके पास APL है BPL वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कार्ड नंबर आपके पास है तो यहाँ से लिखेंगे, उसके बाद आपको सेक्शन C में यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले IFC कोड आपका बैंक का जो भी आप पासबुक लगा रहे हैं, उसके बाद नेम ऑफ द बैंक, उसके बाद ब्रांच ऑफ द बैंक, तो ब्रांच के आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एड्रेस ब्रांच का जो भी है, उसके बाद बैंक स्टेट जो भी स्टेट है, जैसे कोई भी राज्य हो वो राज्य यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी है, उसके बाद अकाउंट नंबर जो है वो लिखेंगे यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे यहाँ से लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे पासबुक का जो फर्स्ट पेज का है उसका स्कैन का भी यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो चूज पॉलिसी यहाँ से उसको अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर देंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ से अप्लाई कर देंगे। और आपका जब भी ये वेरीफाई होगा लगभग 8-10 दिन में, 15 दिन में, तो आपके अकाउंट में 12,000 आपके जो भी आप यहाँ पे अकाउंट नंबर देंगे उसमें आपको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अगर आप बेनिफिशरी हैं और आप एलिजिबल हैं तो आपके अकाउंट में ज़रूर ये 12,000 आपके आ जाएंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।